क्या बेवकूफ बनाया गया आप लोगों को? पट्टी वाला काम होता है वो हुआ, क्या मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं चिल्लाई थी? कौन विरोधी था यहाँ पर, कौन विरोधी नेता था यहाँ पर? कितनी टिप्पणी किया जाए इस बेशरमों पे, खाली कमिश्नर के दरवाजे के बाहर ही आंदोलन करना होता है? आपको क्यों डर लग रहा है क्या? डरती तो इतने काम नहीं करती। दिन आएंगे ना हमारे सामने, उस दिन चप्पल का हार पहनाने के सिवा इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुत्ता को जब दफनाने जाओगे ना तो पूछेंगे किसका था, आप क्यों जा रहे हो, आपका क्या लेना देना है? आप अपना बंगला बनाने के टाइम सरकार पे डिपेंड है क्या? तो इनके काम के लिए क्यों आप टीएमसी सरकार ये वो नाम लेते हो? तुम्हारे नाम से गाली भी देना पसंद नहीं करेंगे। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि शंकर मंदिर के पास जो तालाब है, इस तालाब का मुद्दा अब एक बार फिर आने वाले छठ के मौके पर तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल छठ के मौके पर यहां के कुछ नेताओं ने इस तालाब को बनाकर देने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद ये तालाब बनाकर दिया नहीं गया। लेकिन अब छठ पूजा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, महिलाओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर आज तमाम महिलाओं के साथ जो है रीदा रशीद भी मौजूद है, हम बात करेंगे। पिछली बार भी जो है इस तालाब का मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ था, और अब जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आ रही है, महिलाओं का यहाँ पर जो है तालाब के पास आना जाना काफ़ी हो रहा है, महिलाओं में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सही कहा आपने कि ये तालाब का जो विषय है, लास्ट टाइम भी मेरी काफ़ी बहनों ने आंदोलन किया था, यहाँ बैठ गई थी और बस इतना ही था उनका डिमांड कि ये जो अधूरा तालाब जो इतने साल से पड़ा है उसको कंप्लीट किया जाए। और मैंने तो सुना है कि जब ये तालाब बन रहा था तभी कहा गया था कि छठ पूजा, खास करके छठ पूजा को ध्यान रखते हुए तालाब बनाइए, लेकिन उसका कुछ काम हुआ नहीं और बस एक थुकपट्टी वाला काम होता है वो हुआ। लेकिन बहुत बुरा लगता है जब भेने सड़क पे आती है, भेने आंदोलन करती है, तो कुछ नेताओं के ज़रिए वो आंदोलन को भी जैक किया जाता है, उनको अपने अपने घर झूठे झूठी बातें करके घर पे भेजा जाता है। लेकिन इस बार मुझे भी, मतलब मैं तो देखते ही आई हूँ, सभी कामों पे ध्यान रखती हूँ, तो इस बार मैं लास्ट टाइम भी थी इन लोग के साथ ही छठ पूजा के लिए भी बैठी थी और यहाँ के पूरे रात इनके सेवा में थी। इस बार मैंने भी देखा काफ़ी बहनों को तकलीफ़ होती है वो पानी में उतरने के लिए। और छठ मैया का जो पूजा है, ये मैंने सुना है बहनों से कि ये पानी में ही खड़े रह के छठ पूजा किया जाता है, ये बाहर नहीं रह सकते, इनका वो जो घुटना तक के जो हिस्सा होता है वो पानी में होना चाहिए, तो ही वो पूजा पूरी होती है इन लोग की। लेकिन इस पूजा को इतना बोल के, इतना समझा के टीएमसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या टीएमसी ने जिसको दिया था, उस तरीके से कुछ काम नहीं हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर जितना भी काम हुआ है पूरा काला पड़ा है। अभी गणपति गई, अभी माँ का विसर्जन हुआ, गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ, यहाँ कुछ नहीं, जैसा व्यवस्था था वैसा ही था, जिनको जितना काम करना है करे, नहीं तो जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। लेकिन छठ पूजा बहनों का एक आस्था का सवाल है और बहनें तालाब के पास मूर्ति है, बहनें नदियों के पास जाती है, तो इसी तरीके से इस बार भी बहनों की तैयारी चालू हुई है, मेरे पास भी आए बहनें यही सवाल लेके कि इस बार क्या करेंगे। तो मेरा यही है कि इस बार तालाब तो हम सुंदर बनाएंगे और मैं सभी से नहीं, आपको क्या लग रहा है ऐसा कि जिस तरह से पिछली बार भी जो लोग यहाँ पर आए थे, तमाम नगर सेवक और भी नेता यहाँ पर पहुँचे थे, उन लोगों ने कहा था कि हम बनाकर इसको दे देंगे, अगली बार छठ पूजा आप लोग आराम से मना सकोगे, लेकिन ऐसी सुन में आ रही है बात कि एक दूसरे पर ढाला जा रहा है कि मेरे वार्ड में आएगा तो मैं बनाऊंगा, वो बोल दूसरे को भी बोलते मेरे वार्ड में आएगा तो मैं बनाऊंगा, वो बोलते मेरे वार्ड में आएगा तो बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये तालाब जिसमें छठ पूजा होता है, इस ये जो है आस्था का विषय भी है, ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक शिकार हो रहा है, राजनीति होने की वजह से ये तालाब बन नहीं पा रहा है? देखिए मैं ये विषय पे आ नहीं रही थी क्योंकि मुझे ये जो नेता जो बोलते हैं ना कि ये हिस्सा मेरे में आएगा तो मैं करूँगा, ये हिस्सा मेरे में आएगा तो मैं करूँगा, आपने सही कहा कि गए टाइम जब वो कटिंग चालू था, वार्ड का जो रचना चालू था, तो उस टाइम पे काफ़ी लोग आए और बोल दिए मैं बनाऊँगा, और जैसा वो रचना रुका वैसा वो भाग गए। उसमें जो भी है नेता लोग है, मेरे को उन पर टिप्पणी करने का ना अभी खुद को
बुरा लग रहा है, कितनी टिप्पणी किया जाए इस बेशरमों पे। अगर मैं अभी ये सब बहने सुन रही है, मैं भी सुन रही हूँ कि आपका पट्टा भी कहाँ आ रहा है नहीं पता है, इसलिए आपके साथ यहाँ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन जैसे पता चल जाएगा ना कि आप अभी आपका वोट वहाँ जाने वाला है, सभी आ जाएंगे, सभी फिर से झूठे आश्वासन देंगे। लेकिन समाज का काम नहीं कोई करना चाहता है, तो ठीक है समाज का काम वो नहीं करना। किसी ने कहा था ना कि हम बना कर देंगे, हाँ तो इसी को पता है ना, ये भी थी वो आंदोलन में। नहीं आप भी थे ना यहाँ पर आए थे ना आप, आपको क्यों डर लग रहा है क्या बोलते हुए, किसने कहा था किसने नहीं कहा था? भाई मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तो फिर और डरती तो इतने काम नहीं करती, हाँ और आश्वासन पे काम नहीं करती हूँ मैं खुद के जेब का लगा के काम करती हूँ, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता है कि मैं किसी से डरूँ और किसी का नाम नहीं हूँ। तो जो भी आए थे ना आज, जो अपने गलियों में जाके लाइट लगा रहे हैं, अपने गलियों में जाके बहुत सारी काम कर रहे हैं, तो नाम लेने का ना ये बेशरम है, मैं बेशरम नहीं हूँ। इनके नाम ले लेके ना इनको ऐसा हो गया ना कि अभी मैंने लास्ट टाइम के भी न्यूज़ में बोला था कि अपना चेहरा छुपा के अभी यंगस्टर का चेहरा दिखाने वाले लोग के लिए इनका नाम ही ना लिया जाए। इनको अगर पीछे करना है ना तो इनका नाम ही ना लो, लेकिन ये जिस दिन आएंगे ना हमारे सामने उस दिन चप्पल का हार पहनाने के सिवा इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस बार का छठ पूजा हमारा आंदोलन होगा। और ऐसा आंदोलन होगा अगर उसमें आके वो इंसानों ने डुबकी भी मारा ना यहाँ पर, तभी भी उनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इस तरीके का आंदोलन करेंगे और इस तरीके का हम सुंदर हमारा तालाब बनाएंगे, और इस बार का छठ पूजा आप लोग भी खुद देखोगे, आंदोलन बताएंगे नहीं और करके बताएंगे। लगी आंदोलन का आंदोलन, बस सबको लेटर दिया जाएगा, पहला तो उनको बोला जाए ना बना के दो करके दो करके दो। अभी कहाँ से बनेगा, 30 तारीख को तो है छठ पूजा, अभी हम लोग हमारी तैयारी 18-19 दिन बाकी। नहीं क्या होता है ना, अगर आप डायरेक्ट उतर गए ना तो आपको आके कायदा सिखाएंगे। जब तक कोई कुत्ता मरा होगा ना तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कुत्ता को जब दफनाने जाओगे ना तो पूछेंगे किसका था, आप क्यों जा रहे हो, आपका क्या लेना देना है। इसलिए हम बाकी बाकायदा उनको इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म करके हम हमारा आंदोलन करेंगे, और जो भी आंदोलन होगा वो बेशरम लोग देखेंगे कि ये बहने कैसे उतरती है और अपना काम खुद से भी कर सकती है बिना ये नेता लोग जो रोटी सेके है ना हम लोग के और जनताओं के छाती पे, बोलते ना रोटी सेके, तालाब पे तो बहुत सेका गया है, तालाब पे खड़े रह के तुम उसका नाम ले रहे हो, वो उसका नाम ले रहे हो, तुमने क्या किया है। मैं बोलूँ यहाँ पर जो विरोधी जो होता है ना, विरोधी जो काम करता है ना, तो विरोधियों को समाज का काम करना होता है, किसी लोगों का काम नहीं होता है। किसने काम किया, कौन विरोधी था यहाँ पर, कौन विरोधी नेता था यहाँ पर, किसने काम किया है? बस आके विरोधी ने एक ही काम किया क्या, यहाँ पर आके छुप जाने का और वो खाली कमिश्नर के दरवाजे के बाहर ही आंदोलन करना होता है, यहाँ आके नहीं करना होता है? समाज के लिए कोई आंदोलन नहीं होता है क्या? इसलिए इस बार आंदोलन हम दिखाएंगे। और क्या लग रहा है, जो तमाम महिलाएं हैं, आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों को जिस तरह से आश्वासन दिया गया था, क्या बेवकूफ़ बनाए गए आप लोगों को? बेवकूफ़ बनाए गए हैं, अभी क्या बनाएंगे, अभी कितना टाइम है, वो बेवकूफ़ ही बना रहे हैं ना, यानी चुनाव की राजनीति। आप पे भी बोल रहे हैं लोग कि आप भी सिर्फ चुनावी स्टंट करने के लिए महिलाओं को इकट्ठा करके यहाँ लेकर आए। तो चुनावी स्टंट करने के लिए मैं इन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ? चुनावी स्टंट करने के लिए मैंने 1 साल पहले मंदिर बना दिया, चुनावी स्टंट करने के लिए मैंने गटर साफ करवा दिए, जो नगर सेवक के काम थे वो मैंने कर दिया। चुनाव तो आया नहीं है ना, चुनाव आया मालूम पड़ा तो कौन आया था, बरसात का मेंढक कौन आया था, कौन लास्ट ईयर आके लास्ट साल आके इन लोगों को बोल के गया था क्या, मैं बना रहा हूँ, मैं चिल्लाई थी? मैं तो यहाँ खड़े रह के ना करवाती हूँ, करवा के उदाहरण दिया है, बिना नगर सेवक होने के बाद भी बहुत सारे उदाहरण दिया है। और जो बोलते हैं ना चुनाव के जो मेंढक है ना पक पक करने वाले, उनको बोलना आके रीधा से तो कंपेयर भी नहीं कर सकते ये लोग। अभी 30 तारीख को है छठ पूजा, तो अभी किस तरह से बनाएंगे, या आप आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन भी आप करने की बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे कि घुटने तक पानी में महिलाओं को जाना भी है, और किनारे पे ही यहाँ पर इतना पानी है कि इनके जो है 1 फुट ऊपर तक पानी है। इस बार जब प्लान किया था, बहनों ने भी प्लानिंग से बोला था, उस प्लानिंग से तालाब बना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इन लोग का दुआ रहेगी मेरे साथ, तो इनको जैसा चाहिए वैसा भी तालाब बना के दूंगी। लेकिन इस बार ये दो हाथ नहीं लगेंगे, इस बना के दूंगी मतलब आप बना के देंगे? मैं बना के दूंगी, लेकिन ये काम तो प्रशासन का ना, मनपा प्रशासन का काम है ना, ये बना कर देना। देखिए क्या होता है, पता है आप कब तक सरकार पे डिपेंड रहेंगे? आप अपना घर बनाने के टाइम सरकार पे डिपेंड थे क्या?
आप अपना बंगला बनाने के टाइम सरकार पे डिपेंड है क्या? आप 40 से बिल्डिंग से बंगला जाते हो तो सरकार पे डिपेंड रहते हो क्या? आप इन लोग पे डिपेंड रहते हो क्या? वो तो आप अपने हिसाब से बना लेते हो ना, आप वो देखते तो नहीं हो ना किसकी जगह है क्या जगह है तो बना लेते हो ना। तो इनके काम के लिए क्यों आप TMC सरकार ये वो नाम लेते हो? इनके काम के लिए जेब खाली हो जाता है क्या? इनके टाइम के लिए इनके बिल्डर मर जाते हैं क्या सब? जो इतना बन रहा है वो शंकर मंदिर है हमारा छोटा, उसके बाजू में कचरा गिरा हुआ है, वो कचरा तो आज तक साफ नहीं हुआ, लेकिन उसी के सामने डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गया। क्या माना जाए, आप बना कर देंगे ये तालाब? बिल्कुल बना के दूंगी, इंशाल्लाह बना के दूंगी, लेकिन इस छठ पूजा में। मतलब कैसा बनाएंगे आप, किस तरीके से बनाएंगे? जैसा ये बोलेंगे आज इन्हीं को पता है। कैसा तालाब कैसा चाहिए आपको? जैसे इधर पायरी बना है ना, वैसे चारों तरफ पायरी बनेगा। अच्छा, कम से कम ऊंचा है ना, मतलब सीढ़ी के बाद फिर पायरी रहे उसमें उतर कर आप तालाब में जा सकते हैं। नहीं हो पाएगा, पानी है लेकिन ऊपर जो करने का रहेगा करा के लेंगे। टाइम नहीं है, पानी की वजह से पायरी नहीं बन पाएगा, नीचे बनाने का ही पायरी, ऊपर बना के क्या करेंगे, पानी में हम लोग का खड़ा रहना इस बार है ना? हम TMC से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमें जितना सुविधा से बना के दे सकते हैं छठ पूजा की बहनों के लिए वो बना के दे। अगर वो बना के नहीं दिए तो हम लोग इस बार उनको पता चल जाएगा हम किस तरीके से आंदोलन करेंगे और किस तरीके अभी आंदोलन कब होगा आपका, छठ पूजा के पहले या छठ पूजा के बाद? इसी 4-5 दिन में ही हो जाएगा, दिवाली के पहले होगा, क्योंकि हमें भी तो पता है ना काम करने टाइम लगेगा, नहीं तो सभी बहनों के हाथ में ब्रश और कलर दिखेंगे आप। इस तरीके से आंदोलन होगा और इस तरीके से तालाब खूबसूरत बनेगा, ये सभी देखोगे, लेकिन वो आंदोलन के रूप में दिखेगा। वो बहुत वो अबला छोड़ दीजिए जो रस्ते पे बैठेगी और आपसे मांगेंगी, वो अबला छोड़ दीजिए जो रस्तों पे उतर के अपना हक मांगेंगी। इस बार ये अबला जो ये अबला मत समझिए हम बहनों को, इस बार हम हक अगर दोगे नहीं तो आपके घर में ही आप बैठिएगा, हम हमारा छीन के रस्ते पे ही ले लेंगे। इस बार हम तुम्हारे नाम से गाली भी देना पसंद नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे आप, जिस तरह से रीता मैडम कह रही कि हम बनवा कर देंगे और नेताओं ने कहा था कि हम बनवाएंगे लेकिन वो बनवा नहीं पाए, ये बनाने के लिए तैयार हैं, देखना ये बनाते हैं नहीं बनाते हैं? नहीं नहीं, इन मैडम के ऊपर हमको पूरी उम्मीद है कि हाँ हमको बनवा के देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो टाइम नहीं है। अच्छा, ये सब बातें तो महिलाएं उस वक्त भी बता रही थी कि हमको फलाने के ऊपर यकीन है, उनके ऊपर यकीन है, वो बना के देंगे। नहीं बनाए तो भाई हम क्या कर सकते हैं उसमें, ये साल इनके ऊपर हम अकेले तो उठ के खड़े होंगे नहीं कि हाँ हमारा सुन ले, अभी मैडम हमारे साथ में है तो उम्मीद है हमको भी भरोसा करेंगे ना। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव में खड़े होने वाले हैं नगर सेवक के, तो फिर खड़े होंगे कि क्या करेंगे, अब इनके ऊपर है ना, खड़े होंगे तो और अच्छी बात है, हम लोग खड़ा करेंगे ना, हम लोग खड़ा करेंगे, बना के जो हम लोग का साथ देगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत नगर सेवक चुन लिए, बहुत जनों को देख लिए, आप लोग रीता के साथ में? हाँ, रीता के साथ है। क्या वजह क्या है, नेता लोग का हम लोग विश्वास? क्या वजह? वजह मतलब इनके ऊपर भरोसा है कि ये करके देंगे, करके देंगे। हाँ, भरोसा कर देंगे तो और अच्छे हैं, नहीं किए तो करेंगे, करेंगे भले नहीं पूरा करेंगे आधा करेंगे मगर करेंगे जरूर। हाँ, इतना विश्वास। क्या बोल रहे, नहीं नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर हम लोग रीता मैडम के साथ ही रहेंगे खड़े, क्योंकि वो जो इन लोगों ने करना चाहिए ना तो उन लोगों ने मैडम ने करके बताया है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जो उतर के हम लोग करेंगे, जो साथ मिलके साथ में मिलके काम करेंगे हम लोग करेंगे। हाँ, तो आपने सुना कि जिस तरह से जो तमाम महिलाएं हैं उनमें काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है, ये तालाब है इसके सुंदरीकरण को लेकर जो है काफ़ी राजनीति हो रही है, और अब इस पूरी राजनीति में जो यहाँ की समाज सेविका है रीदा रशीद वो भी यहाँ पर पहुँची, तमाम महिलाओं से आज बातचीत की। उनका ऐसा कहना है कि आने वाले छठ पूजा के पहले ही वो इस तालाब को लेकर जो है आंदोलन करेंगी और छठ पूजा के लिए जितना भी हो सकेगा उतना काम ये करके देंगी ताकि महिलाओं को पूजा करने में जो है यहाँ पर दिक्कत ना हो। बहरहाल तालाब के मुद्दे को लेकर उनका कहना है कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे।